जदयू कैसे कहती है कि सब नीतीश कुमार, हम वो नहीं जानते हैं, जदयू फालतू कुछ नहीं जानते हैं, हम सुझे जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं बस बात। नीतीश कुमार जैसी जंगल आज में गए उनका बात खत्म, उनका तो उदाहरण दिखा दिया ना सर, कुरहनी चुनाव में उनका खुद कुर्मी लोग वोट नहीं दी। कुर्मी और कुशवाहा टोटल उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ रहे हैं, टोटल के टोटल नीतीश जी के पास में बस थोड़ा सा बुमियार बस बच गया है। पहले से भी हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, अभी भी है, और ऐसा अभी तक नेता उभरा नहीं है, चोर चुहार नहीं है, अभी तक कोई माई की लाल नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई अंगुली कोई बता सकता है कि चोर चुहार है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि सम्राट अशोक की जो है वो जयंती मना रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत की प्रदर्शनी भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जदयू पार्टी कहती है कि कुर्मी और कुशवाहा भाई भाई हैं, तो ऐसे में अब जो ये तमाम लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये जदयू के साथ जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, आने वाले चुनाव में किसके साथ अपनी ताकत को दिखाएंगे, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसके साथ ये लोग जाएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से जदयू के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि कुर्मी और कुशवाहा भाई भाई हैं, तो आप नीतीश कुमार के साथ जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे? कुर्मी और कुशवाहा टोटल उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ रहे हैं, टोटल के टोटल नीतीश जी के पास में बस थोड़ा सा बुमियार बस बच गया है बस। तो फिर कैसे कहते हैं कि कुर्मी और कुशवाहा भाई भाई और नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे? नहीं, कुर्मी और कुशवाहा पहले था, अब नहीं है, जब से वो राजद के साथ गठबंधन किए उसके बाद नहीं है, खत्म है। देखिए सर, हम बता रहे हैं, हम लोग कुछ लव और कुश मिल करके जंगल राज के खिलाफ एक समीकरण बनाए थे और बना करके और दोनों भाई मिल करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, बहुत सारे बलिदान दिए, कितना लोग को मरना पड़ा, कितना लोग को यातनाएं सहना पड़ा, और पुनः नीतीश कुमार जी उसी जंगल में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग लव कुश के टोटल टोटल के टोटल आदमी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में नया बिहार बनाएंगे और आने वाला भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार जैसी जंगल आज में गए उनका बात खत्म, उनका तो उदाहरण दिखा दिया ना सर, कुरहनी चुनाव में उनका खुद कुर्मी लोग वोट नहीं दिए, गोपालगंज में उनका खुद उनका स्वजातीय लोग वोट नहीं दिए, इसलिए आने वाला भविष्य उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा और नौजवानों का जो रोजगार आज जो दूसरे राज्य में प्लान कर रहे हैं वो उसको बिहार में ही रोजगार मिलेगा सर। और 15 साल हम लोगों ने लालू यादव को शासन करने के लिए दिया, 17 साल नीतीश कुमार जी 17 साल सर नीतीश कुमार जी ने, 32 साल दोनों भाई मिल करके और बिहार के नौजवानों को गर्त में ढकेलने का काम किए, इसलिए बिहार के नौजवान एक एक जग चुके हैं और आने वाला भविष्य जो है से उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा और इसी बिहार में रोजगार मिलेगा, इसी बिहार में दवा का व्यवस्था होगा, इसी बिहार में किसानों की समस्या का हल होगा। जब उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के गद्दी को संभालेंगे तो जितना करप्शन जितना भ्रष्टाचार है सब खत्म हो जाएगा और नया बिहार बनेगा। आप बताइए किसके साथ, कुर्मी कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है कि नीतीश कुमार के साथ है? कुर्मी कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है जी। अब जो है से कुर्मी लव कुश समीकरण के नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं और उन्हीं के माध्यम से बिहार में शासन चलेगा और गरीब बुढ़वा को हक मिलेगा। नीतीश कुमार के शासन में तो जंगल राज में चल गए, तो उनका शासन खत्म है, अब तो जंगल राज में है, उनका कोई व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। अब सारा कोयरी कुर्मी एक साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं उनको, आने वाला भविष्य में मुख्यमंत्री वही होंगे जी। क्या कहते हैं आप? हम क्या कहें सर, वही उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार? उमेश कुशवाहा के साथ, अति उपेंद्र कुशवाहा के साथ, मजबूती के साथ की बस ऐसी नहीं, मजबूती दिखावती नहीं, मजबूत के साथ, मजबूती के साथ बिल्कुल। क्या कहिएगा किसके साथ है, कुर्मी और कुशवाहा? सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ है सब? हाँ। तो पहले से थे कि अब इरादा बनाया है? नहीं नहीं नहीं, पहले से तो थे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जहाँ जाएगा तहाँ कुशवाहा लोग जाएगा। अच्छा, हाँ। जाएंगे वहाँ? हाँ, जहाँ हाँ। जाना है चाहे जानलुम में जाए, लेकिन रहिएगा उपेंद्र कुशवाहा। आने वाला चुनाव को कैसे देखते हैं, 24-25 का जो चुनाव होगा क्या होगा? 24 में फिर मोदी सरकार बनेगा, इधर बताइए ना, बिहार में तो 25 में फिर उपेंद्र कुशवाहा सरकार बनेगा। क्या कहते हैं आप?
कुर्मी उपेंद्र और कुशवाहा जिंदाबाद, पहले जिंदाबाद, पहले से भी हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, अभी भी है, और ऐसा अभी तक नेता उभरा नहीं है, चोर चुहार नहीं है, अभी जितने भी देखे हैं नेता को कुछ न कुछ अकलंक लगा है, लेकिन अभी तक कोई माई की लाल नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई अंगुरी कोई बता सकता है कि चोर चुहार है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई बताइए, कोई नाम कोई माइक ला ले तो बताइए उसको। अच्छा जब आप लोग कह रहे हैं कि सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ, फिर जदयू कैसे कहती है कि सब नीतीश कुमार, हम वो नहीं जानते हैं, जदयू फालतू कुछ नहीं जानते, हम सीधे जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, बस बात खत्म। जदयू अब है कहाँ, जदयू में जो कुछ थोड़ा बहुत नेता बचे हुए हैं वो तो राजद में विलय करने जा रहे हैं, बाकी बच गए नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी सिंगल पर्सन आने वाला समय में वो भाजपा में विलीन हो जाएंगे सिंगल, चूंकि उनको बचना है, उनको बचना है सीबीआई और ईडी से बचना है, बचने के लिए जाएंगे, हाँ बचने के लिए उनको भाजपा में जाना है, अब बाकी जो उनके साथ में रहने वाले जो एकर बैकर है ना वो राजद में विलीन हो जाएंगे। अच्छा। यही तो है आने वाला 2-3 महीना 5 महीना के अंदर में होने वाला खेल, 5 महीना में, हाँ बस 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 2-5 महीना के अंदर में ये खेल आपको होने जा रहा है। चलिए आप बताइए, जिस तरीके से लगातार जदयू के नेता तमाम लोग कहते हैं कि कुर्मी और कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ है मजबूती से, फिर आप लोग किस उम्मीद में कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ है? हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ शुरू से हैं जी, समता पार्टी काल से हैं, और जहाँ जैसे वो गए जैसे रहे उनके साथ हैं, आज भी हमारे बिहार के जितने भी कुशवाहा हैं, आज उपेंद्र बाबू को बिहार के सीएम के माने मुख्यमंत्री के चेहरा को देखते हुए आगे हम लोग अब अपनी ताकत जो है 13% बिहार में कुशवाहा का वो पूरी ताकत, और केवल वोट का ताकत नहीं, जन मन धन समझे, जो हाथ में कहते हैं जो हरज खरज तब नाम दर्ज, तो हम लोग अपना नाम कुशवाहा का बिहार में दर्ज करने के लिए हरज खरज समझे ये सब मैंने कर दिए हैं, अब इनके लिए जो ताकत लगाना पड़े बिहार में, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आप बता दीजिए, कुर्मी और कुशवाहा जब कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हैं, तो आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग केवल उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है। आपको मालूम होगा कि जब त्रिवेणी संघ बना था तो उस समय में लालू जी और नीतीश जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसी के लेके त्रिवेणी संघ बना था, तो लालू जी ने तो राज कर लिया और नीतीश जी तो दिखाइए दिए, तो बाकी कौन है? उपेंद्र कुशवाहा है ना, इसलिए बिहार के सभी जनता अदर जाति का लोग भी सब लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ही सीएम बने, सबको मौका मिल गया है, इस बार उपेंद्र कुशवाहा को सारे लोगों ने मौका देने का काम करेगा और कर रहा है, इसलिए आप जो सैल आप देख रहे हैं कि पूरा पटना के एक बापू सभागार से लेकर और बाकी जगह भी देखिए, पटना में उधर कैसे कितना लोग पड़ा हुआ है, बापू सभागार भर गया है बाहर से, पूरा सब लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, पूरा बिहार की जनता देख रहा है। अब दो चार आदमी जो नेता लोग है, केवल नेता लोग, वो अलग अलग कहते हैं कि नहीं फलाना है ठेकान में, लेकिन नहीं, जनता को देखिए, गांव में ले जाइए, गांव में जाइए देखिए कि क्या हाल है, जनता कहती है कि नीतीश कुमार जी को अब 20 साल होने जा रहा है, कोई विकास नहीं हुआ, तब लोग पलायन हो रहा है, तब लोग जिस तरीके से सम्राट अशोक की जयंती बापू सभागार में मनाई जा रही है और RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी जो है मजबूती को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से जदयू लगातार कहती है कि कुर्मी और कुशवाहा का जो वोट है या जो मजबूती है वो नीतीश कुमार की तरफ दिखता है, झुकाव दिखता है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं सबका कहना है कि चाहे जैसे भी हैं, पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे और अब भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही हैं, पूरी मजबूती के साथ और आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।